हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं सनी देओल द्वारा बोले गए डायलॉग्स की इंग्लिश। इंडिया के फेमस एक्टर सनी देओल द्वारा बोले गए फेमस डायलॉग से इंग्लिश मतलब आपके लिए लेकर आए हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सनी देओल द्वारा बोला गया डायलॉग है, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्ते का सहारा लेना छोड़ दे। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्ते का सहारा लेना छोड़ दे। इसका इंग्लिश क्या होगा? इफ यू आर सो फॉन्ड ऑफ बीइंग अ मैन देन स्टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ डॉग। If you are so fond of being a man, then stop taking support of dog. ये famous dialogue है सनी देओल का। इसका इंग्लिश मतलब क्या है? If you are so fond of being a man, then stop taking support of dog. चलिए देखते हैं अगला डायलॉग है, जब ये 2.5 किलो घास किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। जब ये 2.5 किलो घास किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। इसका इंग्लिश होगा, When this 2.5 kilogram hand falls on someone, then the person does not get up. When this 2.5 kilogram hand falls on someone, then the person does not get up. सनी देओल द्वारा बोला गया अगला फेमस डायलॉग है, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इसका इंग्लिश होगा, This is the hand of the worker कात्या, melts iron and changes its shape. This is the hand of the worker कात्या, melts iron and changes its shape. चलिए देखते हैं सनी देओल द्वारा बोला गया अगला डायलॉग है, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा। इसका इंग्लिश क्या होगा? अवर हिंदुस्तान वॉज अलाइव एंड विल बी अलाइव। अवर हिंदुस्तान वॉज अलाइव एंड विल बी अलाइव। चलिए देखते हैं सनी देओल द्वारा बोला गया अगला फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड मगर इंसाफ नहीं मिला। तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड मगर इंसाफ नहीं मिला। इसका इंग्लिश क्या होगा? डेट हैज बीन गेटिंग ऑन डेट माय लॉर्ड बट जस्टिस नॉट फाउंड। डेट हैज बीन गेटिंग ऑन डेट माय लॉर्ड बट जस्टिस नॉट फाउंड। ये भी एक फेमस डायलॉग है। इसका इंग्लिश मतलब क्या है? डेट हैज बीन गेटिंग ऑन डेट माय लॉर्ड बट जस्टिस नॉट फाउंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला डायलॉग है, काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं उन्हें चलाना नहीं भूले। काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं उन्हें चलाना नहीं भूले। इसका इंग्लिश क्या होगा? काजल दीज हैंड्स हैव लेफ्ट ओनली वेपन्स दे हैव नॉट फॉरगॉटन टू ऑपरेट। क्या होगा? काजल दीज हैंड्स हैव लेफ्ट ओनली वेपन्स दे हैव नॉट फॉरगॉटन टू ऑपरेट। तो ये थे स्टूडेंट्स सनी देओल के फेमस डायलॉग और उसके इंग्लिश मतलब। तो आप भी सनी देओल के फेमस डायलॉग को इंग्लिश में बोलिए और सभी तरह